अरे डाइट फाइनली मेहता साहब से मिल लिए अपन, ये रहे ये जा रहे मेहता साहब। What does perfect even mean? Is there even... आप ही ना आ जाइए जो तैयार रही जो। तो थोड़ी देर में अब मेहता साहब भी आने वाले हैं, यानी कि शैलेश लोढ़ा जी आने वाले हैं, उनके साथ आने वाले आठ जन। मतलब कहने गए 10 मिनट, अब 10 मिनट मतलब हाचोड़ी 10 मिनट है, मतलब 8 या 9 या 12 नहीं है, 10 मतलब बस 10 मिनट और टिकान बैठ जो। आवार आ रही है आप और मेहता साहब। तो बार मेहता साहब आओ जी का पहले आप अभी जीन ले थोड़ा, और मैंने भी थोड़ा सा कोशिश करी है अपनी लैंग्वेज भूलने की, आप लोगों को जो बाहर के लोग उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब राजस्थान को मान्यता मिल जाएगी तो सब लोग उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो देखते कब मान्यता मिलती है। आई होप कि अब 5 साल लगभग बताया है कि 5 सालों में इनका संघर्ष पूरा रहेगा और मिल जाएगी मान्यता, तो कोशिश पूरी है हमारी तरफ से। बाकी देखते हैं कब 8वीं अनुसूची में नाम आता है। फिलहाल तो अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, बड़े खाते हैं तो मिर्ची बड़े लेते हैं। जोधपुर में आए तो मिर्ची बड़े खाने चाहिए, जोधपुर की मिर्ची बड़े काफी फेमस है। सो अभी मिर्ची बड़े लेते हैं। आकाश भाई मिर्ची बड़े, चलो ले लेते हैं। सो अभी सब यहाँ पे खा रहे हैं जोधपुर के फेमस मिर्ची बड़े, और चटनी नहीं थी इसके अंदर यार, बस ये कमी लगी अपन को। बाकी मिर्ची बड़ा बहुत टेस्टी है। मेहता साहब आ चुके हैं वहाँ पे, आप देख सकते हो हमारे सामने, अपन पानी पीने में रह गए थे उधर। वाह, क्योंकि मैं इतनी देर हूँ मेहता साहब बोल रहे हो तो मैं और बोलनी चाहूँ कि मोरे शैलेश लोढ़ा साहब आए गए हैं मोरे जोधपुर रहने। फाइनली शैलेश लोढ़ा सर आ चुके हैं, अपने मेहता साहब यहाँ पे आ चुके हैं, अभी बैठेंगे और अभी इनका परफॉर्मेंस देखेंगे अपन, एंजॉय करेंगे। सब बने रहिए व्लॉग में, जरूर आए लेकिन अबे मैं अच्छा यू काम करूं तो ही बोल लूंगा बीच बीच में। मारवाड़ी तो बोला ही जा, आपण उत्सव है हिंदी रिवाज से बोला के लोगों तक ज्यादा पहुंच सका, जिनको लोग नहीं समझे वे भी आपण समझ सके, सारी दुनिया में माने आप पहुंच जावा। झूठ बोल रही श्रीमद भगवत गीता में लिखियो है आत्मा ऐश्वर्य चाहती है, बहुत अच्छो लगे, लेकिन कोई गौरव रो भाव वो नहीं है कि लोग एड़ो कर रहे हैं। आप यकीन मानो रेक्स, बहुत ईमानदारी कहूंगा, हमारे वास्ते गौरव रहा जी को दो भाव है जिनको मैं सबू ज्यादा महसूस करूं, फील करूं, और जिन्हें मैं कहूं भी हूं दुनिया में जटे भी जाऊं, मैं पूरी दुनिया में घूमू और जानो कहूं, हमारे वास्ते गौरव भाव यह है। पहलो मैं मारवाड़ की माटी में पैदा हुआ, हमारे वास्ते बहुत बड़ो गौरव रो भाव है क्योंकि मैं पैदा हुआ और मैं जिंदगी इन गांवों में काटी, और दूसरों के ईश्वर मैंने कविता री समझ दी, थोड़ी कविता समझू और समझ सकू इन वास्ते, लेकिन यह चीजा जो है वो ज्यादा विनम्र बनावे, ज्यादा हम्बल बनावे, यह चीजा आपने और ज्यादा करने वास्ते प्रेरित करे। एक बहुत अच्छो खूबसूरत शेर है किनोई कि झुकता वही है जिसमें की जान होती है, झुकता वही है जिसमें की जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दों की पहचान होती है। क्योंकि मोर हम्बल, ये जो लव है, ये प्यार है, ये स्नेह, ये अफेक्शन है, ये मेरा अपना कुछ नहीं, ईश्वर प्रदत्त है, ये भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो मुझे ये उनकी थाती मान के महसूस करना चाहिए। बशीर बद्र कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, क्या इसलिए आप क्या? वहां है वहां रहे, जमीन पे रहे, पांव जमीन पे रखे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। मैं 35 तक रुकूच को नहीं, सीधा समझ में आ जा लो, 36 कही हमारे पिता ही तो गिनती बनी हुई कही। वो बच्चे, ये मैं हिंदी में इसलिए कह रहा हूँ कि वो समझेंगे जो मारवाड़ी नहीं बोलते, जो बच्चे हिंदी बोलते, वो बच्चे जो अपनी भाषा को दोयम दर्जे का समझते हैं, वो बच्चे जो अपनी भाषा बोलने में शर्माते हैं, वो बच्चे जिन्हें लगता है कि हम आंचलिक भाषा बोलेंगे तो कूल नहीं होंगे, वो बच्चे जिन्हें लगता है कि अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण भाषा है,
वो बच्चे जिन्हें लगता है कि अंग्रेजी बोलने से हम बड़े महत्वपूर्ण नजर आएंगे, वो बच्चे जिन्हें ये महसूस होता है कि अंग्रेजी बोलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, उन्हें सिखाना होगा, उन्हें बताना होगा कि गर्व की बात है, गौरव की बात है, भाषा हमारे लिए प्राइड है, भाषा हमारे लिए अभिमान का विषय है। उन्हें ये बताना पड़ेगा, हमें ये जताना पड़ेगा कि इसे इसलिए बोलियो कि भाषा समाप्त हो जाएगी तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। किसी एक गांव में किसी आप इस बात को समझना, आप कितना लोग हम जला नहीं ध्यान, किसी गांव में किसी बुजुर्ग का देहावसान हो जाता है तो एक व्यक्ति कम नहीं होता, एक धोती कम हो जाती है। इस तरह से वस्त्र समाप्त हो जाएंगे, भाषा समाप्त होगी तो संस्कृति समाप्त हो जाएगा। मैं आपने कहा तो 36 तो आरे हम जाओ पड़े लाके अंग्रेजी, आप मेरी बात को समझ लेगा। कल्ला साहब पधार रहा है, जोधपुर आदमी में जल्दी में देखना मिर्ची पड़े दुकान मार जाओ पर मंदिर, अरे मंदिर, अरे मंदिर, खत्म थोड़ी हो गया है। दो मिनट दब जा, रुक जा, शांति रहा। क्यों जोधपुर आदमी बहुत शांति मिले में, वो क्यों जल्दी नहीं करे जोधपुर आदमी? कल्ला साहब अगर आप गाड़ी मारे जाओ तो अगर कोई ला रहे हॉर्न बजावे तो अपना मेन कर्तव्य कहीं कोई हॉर्न बजावे तो आप हट जावा, अटे हॉर्न बजा दूंगा हटेला को नहीं घूम रहे देखेला कौन है। हट जा रहा जल्दी, तू निकल जा। मैं आपने सच्ची बात बताऊं, जल्दी की बात बताऊं, अटे कोई जाओ तो कि नहीं लेन चार जना ले जाओ था तो एक आदमी ले जाओ तो यू दुखी है तो, क्योंकि 2 किलोमीटर कोई कंधा बदलने नहीं आयो, बैंकर दुखी हो तो एक मोटरसाइकिल वालों कट मारने निकल गयो तो वो क्यों इनू आगे जाई करो गई। तो मैं अंग्रेजी बात करूं तो हमें इन बच्चों को समझाना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। 15 × 3 = 45 लेकिन मन में करना था 15 × 15 = 15 दीदी 45 × 8 = 75 झगड़ा ले वत पिछलो टी एंटी पिया नौ पे। ये कैसे दिखा लेंगे आप? और ये गौरव का भाव भीतर होना चाहिए इन बच्चों के लिए। जो बच्चे आज कर ना इंग्लिश इंग्लिश और माए जो पीट पीट के ओनली इंग्लिश, आपने देखा होगा माओ को, बीना जी ओनली इंग्लिश बेटा, ओनली 2 बिस्किट, 1 इस हैंड में 1 इस हैंड में, भाषा गई हैंड बैंड में, कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया रा एकमात्र अड़ा कलाकार हो जो मारवाड़ी ने भी ऑन स्टेज सुपरस्टार बनाए दिए पूरी दुनिया रा मायने, इन बात माते जोरदार ताली रहनी चाहिए कि आज दुनिया रा हर कोणा रा मायने। हाँ क्योंकि मैं जाऊं, मैं जिन टाइम स्टेज माते सबू पहले, आज उन्हें पहले कोई नहीं कहे हो कि मैं मारवाड़ी हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा ब्रांड आफ्ता लोग कहता हो मैं छाती ठोकने पहली बार कहा मैं मारवाड़ी हूँ, क्यों नहीं कहूँ सर? क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। ये जो हमारे भीतर वो जिंदा, मारवाड़ में मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई, मावली निम्बाड़ा रायपुर मारवाड़ पढ़ी हो, सिरोही पढ़ी हो, मालोत्रा पढ़ी हो, अटे रहे हो, तो मतलब ये मेरे पास पूरा राजस्थान का एक ऐसा अनूठा पूरे कल्चर का एक जिसे मैं कहूंगा खजाना है, जिसे मैं प्रस्तुत किया दुनिया के सामने और बताया। सबसे पहले अयोध्या शायद यहाँ आएंगे गौड़, उन्होंने बहुत वर्षों पहले एक आर्टिकल लिखा था जो इंडिया टुडे में छपा था कि The man who made Marwari as a brand, और इसलिए क्यों नहीं बनाऊं, मेरा अपना ब्रांड है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रस्टिक ह्यूमर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। हमारी भाषा का सौंदर्य ऐसा है अल्लाह साहब कि वो कहीं नहीं आ सकता। मैं कोई छोटी सी घटना बताता हूँ, मैं बस में आ रहा था कहीं सिरोही बिरोही से, आप देखिए हमारी भाषा का सौंदर्य देखिए, बिना कुछ कहे हमारी भाषा में सौंदर्य कैसा पैदा हो सकता है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और एक लड़का पास में बैठा, तो लड़का कोई बीड़ी बीड़ी सिगरेट विगरेट पी रहा होगा तो उसने खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की और वो राख गिर गई धोती पे और वो जल गई। अब वो बुजुर्ग आदमी ने देखा उसको, बोला कुछ, लेकिन उसे पता चला कि धोती जल गई, नाराज तो हो गया। तो उस लड़के ने बातचीत आगे बढ़ाने के अंदाज में कहा कि शायद बातचीत शुरू हो जाए तो नाराजगी कम हो जाएगी, कि बात आती होगा वहां पर वर्णी बाढ़ लो था कोई इंजेक्शन लगवाना था। अभी वैक्सीन आपने देखा, वैक्सीन लगवाना, वैक्सीन से वैसे दुखी, भयंकर दुखी, ले जाना पड़ा लगवाने के लिए। अब लगवाने के लिए डॉक्टर ने कहा इनका ध्यान कहीं भटका दो, तो पीछे वैक्सीन लगाते हुए बोला बासा बीड़ी पियो गई, क्यों धुआं निकल गई। इसके अलावा मतलब हिंदुस्तान में आदमी को ज्यादा गुस्सा आता है तो अंग्रेजी बोलता है या 8 बजे के बाद बोलता है, इन्हीं 2 दशाओं में बोलता है। तो मैंने कहा गुस्सा आ जाएगा तो क्या, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, बाहर निकल जाओ, और ज्यादा गुस्सा आएगा, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, गेट आउट। हम लोगों को गुस्सा आ जाए, हम इतना लंबा सेंटेंस बोलेंगे नहीं। ये जो एक्सप्रेशन है ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए हमें गर्व करना चाहिए।
हमारी भाषा पे गर्व कर। हमारे तो भाई क्यों नहीं आ रहा, काले स्कूल क्यों नहीं आया, क्यों काल आया जो कलेक्टर बन गया। सुमेरपुर वो जगह है जहां मैंने पहली बार कविता पढ़ी थी 30 सितंबर 1980 को। तो एक दिन भगवान की मूर्ति के सामने गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे तू मांगने यहाँ क्यों चला आया, तेरे घर में मांग नहीं है क्या। रोहित सवाल जी। सर एक रिक्वेस्ट के साथ सवाल है जी, मारवाड़ी में हिंदी में बोला पूछे सर, और मैं अब क्या करूं कि बेटिया मारवाड़ी में पूछे कि नहीं। तो मैं मतलब ये जो स्टेटस सिंबल वाला था मैंने इनके सामने 2-3 लाइनें अंग्रेजी में बोल दी, मुझे क्या करना चाहिए कि मैं सबसे पहले तो अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल मानना छोड़ दो। जो मैंने एक लाइन कि इंग्लिश लैंग्वेज है मजा ही नहीं आवे, मैं जाता मैं पढ़ गया दम दे दमरो जी को मजो है, वो किसी और भाषा में आ ही नहीं सकता, वो किसी भाषा में नहीं आ सकता। आप क्यों नहीं बोला, आप बिल्कुल हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे और हमेशा बोलेंगे। और संस्कृति में गर्व होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, कोई हीन भावना देके देखन दे अपन कोई लेना देना नहीं, हम तो बोलेंगे। और कोई आप गलत अंग्रेजी भी बोला नहीं और कोई देखे तो कोई मतलब नहीं, गलत अंग्रेजी भी बोलो, गलत अंग्रेजी बोलो आपने के, भाई वाह आपने इतने साल 200 साल आपने भाषा गलत बोली 200 साल अटर आप बोलेंगे मैं जाता है मैं खाता है मैं पीता है, आप क्यों गलत नहीं बोला, बोलो गलत। देश पूरी दुनिया के सामने ये भाषा बोलने लगा है तो मुझे अच्छा लगता है कि लाल किले से ऐसी आवाज गूंजती है जो पूरी दुनिया सुने और पूरी दुनिया सुनती है। तब मैं ये कह सकता हूँ कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम नपुंसक नहीं है। क्या बात है देवियों सजनों, ये हैं कवि और एक बेहतरीन। फाइनली मेहता साहब से मिल लिए, अपन ये जा रहे मेहता साहब, वो मेहता साहब जा रहे हैं आप देख सकते हो। बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, पब्लिक काफी ज्यादा आ चुकी है, सर से मिलना ठीक से हो नहीं पाया, पर आए थे अपन और ये सब सीन हुआ। अभी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हो गई थी, उनको जाना था एयरपोर्ट पे, लेट हो रहे थे वो, उनकी फ्लाइट थी इससे निकल गए, लेकिन फिर भी अपने जितना कैप्चर कर सकता था उतना तो कैप्चर किया अपन ने। सो गाइस यार ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस ब्लॉग को अभी यहीं समाप्त करना पड़ेगा और इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना, उसके अंदर अपन राहगीर भाई से मिलने वाले जिन्होंने कान्या मन्नापुर शाला जोधपुर वाला गाना गाया है। अभी मैं उनसे मिला भी था, जस्ट यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो, तो उन्होंने बोला कि अपन बाद में वापस और मिलता हूँ किसी के साथ थे, तो प्राइवेट मीटिंग चल रही थी उनकी। एंड अभी इस ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, दूसरा ब्लॉग ज़रूर देखना आप, तो अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, अभी देखते हैं किस किस से मिलते हैं अपन, तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। It gets ingrained in my head and I start to see